दोस्तों, आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं उससे आपके चैनल पे, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ भी आएंगे, साथ ही साथ आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके वॉचिंग व्यूज़, जो वॉचिंग सेकंड्स हैं, वॉचिंग आवर्स हैं, सब कुछ बढ़ेगा। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है जिससे आपका चैनल भी सर्च इंजन में आएगा। कोई भी आपका चैनल सिर्फ कुछ कीज़ होंगी जिसके थ्रू आपका चैनल फर्स्ट सर्च इंजन में आ जाएगा। जैसे ही आपका नाम डालेंगे चैनल का, फौरन ही टॉप पे आपका दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और मैं आपका जो है दोस्त काशु, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आप अपने मोबाइल से अगर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल से आप गूगल पे जाइए, गूगल क्रोम पे। मैं ये गूगल क्रोम पे जा रहा हूँ, मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। आप अपने चैनल पे जाइए, डेस्कटॉप से हैं डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप वर्ज़न ही होगा, अदरवाइज़ अगर आप मोबाइल से हैं तो आप राइट हैंड पे कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा, डेस्कटॉप साइट पे जो है आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका डेस्कटॉप वर्ज़न ओपन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो चलिए चलते हैं काम की बात पे। आपको सबसे पहले जाना है एडवांस सेटिंग पे। मैं ये एडवांस सेटिंग पे जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो आ रहा है चैनल कीज़ आ रही हैं। सबसे ऊपर पहले कंट्री, आपका अकाउंट का नेम और चैनल कीज़। चैनल कीज़ में आपको क्या करना है, अपने चैनल का नाम लिखना है। एक तो आपको स्पेस के थ्रू अपना चैनल का नाम लिखना है और दूसरा आपको बिना स्पेस के अपने चैनल का नाम लिखना है। इसको जो है चैनल कीज़ वर्ड में लिखना है। और इस सेटिंग को जो है मैंने ऑलरेडी डन कर रखी है। इस सेटिंग को नीचे जाके आप सेव कर दीजिए, ये सेव ऑप्शन है, इस पर सेव कर दीजिए। इससे आपका चैनल जो है फर्स्ट सर्च इंजन पे आएगा। कोई भी सर्च करेगा तो फर्स्ट सर्च इंजन पे आपका चैनल इसके थ्रू आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वीडियो मैनेजर पे जाना है। मैं ये वीडियो मैनेजर पे जा रहा हूँ, ओपन हो रहा है। वीडियो मैनेजर पे जाके आपको एडिट पे जाना है। ये एडिट पे पहुंच गए हम। अब आपको सबसे जो मेन है, आपको सब कैप्शन पे जो है आपको जितना भी आपका सब कैप्शन है वो आप इसमें लिखिएगा, राइट कीजिएगा और साथ ही साथ अपने चैनल का नाम। और सब कैप्शन भी ऐसा होना चाहिए जैसे कि न्यू लेटेस्ट वीडियो, वीडियो ऑफ द डे, वीडियो ऑफ 2018, न्यू अपडेट्स, और अपनी वीडियो के जो ताल्लुक से, जो वीडियो से रिलेटेड नाम है, वीडियो जिस बेस पे है वो लिखिएगा, सर्च में लिख लीजिएगा, जिससे आपका जो ये वीडियो होगा बिल्कुल टॉप पे रहेगा और सबके पास पहुंचेगा। और साथ ही साथ फिर टैगिंग पे आइएगा। ये टैगिंग होती है, टैगिंग में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, टैगिंग ही मेन होती है। टैगिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और सबसे मेन जो होता है आपका थंबल, वो थंबल ऐसा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, जिससे कि लोगों को देख के ही लगे कि काम की वीडियो है। लेकिन आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट करता हूँ, जेन्युइन वीडियो ही बनाइए, यानी कि कोई गलत वीडियो नहीं डालिए, अंदर कुछ हो और वीडियो का जो थंबल हो, जो मेन फ़ोटो हो वो अलग ना हो। और सेटिंग को सेव कर दिए, सेव मैंने सब ऑलरेडी कर रखा है। अब एडवांस सेटिंग पर चलते हैं। एडवांस सेटिंग पे आप कोई एक और बात बता दूं, जैसे कि आपको कहीं से वीडियो डाउनलोड करते हैं तो आप ध्यान रखा करें वो वीडियो जो है स्टैंडर्ड ना हो, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूट हो। अगर क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन है तो जो है वो आपको रिव्यू करने का मौका देता है, यानी वो प्राइवेसी नहीं लगाता है।
और उस वीडियो को अगर डाउनलोड करके आप डाउनलोड अपडेट करते हैं अपने चैनल पे, तो ध्यान रखें क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन में ही उसे अपडेट करें, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में अपडेट ना करें। इससे क्या है, आपकी जो है स्ट्राइक भी नहीं आएगी और चैनल को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो आप सब समझ ही गए होंगे। और बाकी जो है, आप जितना ही इसमें मर्ज होंगे, जितना ही आप इसके अंदर यूट्यूब के अंदर चैनल पे जितना ही अंदर जाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, उतना ही आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी, क्योंकि आदमी खुद सीखने से ही सब कुछ सीखता है। और डरिए मत करा करें कोई भी काम करने से पहले, ये मत सोचा करें इसमें नुकसान होगा या फ़ायदा। अगर कुछ सीखना है तो आप बेफिक्र होके सीखिएगा। तो मेरे इस चैनल को आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।